नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल भारत की यात्रा में आप सभी का फिर से स्वागत है। हमारी आज की यात्रा में हम एक ऐसी झील का भ्रमण एवं ऐतिहासिक पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिसे भारत ही नहीं अपितु संपूर्ण एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील होने का गौरव प्राप्त है। जी दोस्तों, हम आज भारत के राजस्थान राज्य में उदयपुर जिले में स्थित जयसमंद झील की यात्रा करेंगे। जयसमंद झील, जिसे ढेबर झील के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान राज्य की अरावली पर्वतमाला के दक्षिण पूर्व में स्थित एक विशाल जलाशय है। यह झील राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। यह उदयपुर जिला मुख्यालय से लगभग 51 किलोमीटर दूर उदयपुर सलुम्बर मार्ग पर स्थित है। जैसा कि आप देख रहे हैं, झील तक पहुंचने की मार्ग की सुंदरता मन मोहने वाला दृश्य प्रस्तुत कर रही है। सघन वनस्पति एवं वन होने से यहाँ पहुँचना किसी भी रोमांच से कम नहीं है। तो दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं आज की यात्रा के पड़ाव जयसमंद झील पर। आइए मिलकर यात्रा सफल बनाते हैं। जयसमंद झील का निर्माण तत्कालीन महाराणा जय सिंह ने अपने शासनकाल के दौरान करवाया था, इसी कारण इसे जयसमंद झील के नाम से जाना जाता है। इसका उल्लेख हमें यहाँ लगे इस शिलालेख पर भी देखने को मिलता है। 14,400 मीटर लंबाई एवं 9,500 मीटर चौड़ाई में निर्मित यह झील मीठे पानी का एक विशाल जलाशय है। जयसमंद में पानी की आवक गोमती व झामरी नदी तथा वगुरुआ नाला से होती है। स्थापत्य कला की दृष्टि से बना यह बांध अपने आप में आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। झील की एक तरफ कुछ दूरी पर बनी यह खूबसूरत छतरियाँ पर्यटकों का मन मोह लेती है। गुंबदाकार छतरियाँ पानी की तरफ उतरते हुए बनी हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इन छतरियों के सामने नीचे की ओर तीन तीन बेदियाँ बनाई गई हैं। सबसे नीचे की बेदी पर सुंड को ऊपर किए हुए हाथियों की प्रतिमा बनाई गई है। हाथियों की यह प्रतिमा मध्यम कद की है, जिन पर कलात्मक पत्थर की कारीगरी की गई है। आइए अब झील की ओर बढ़ते हैं। झील का यह साफ नीला पानी प्राकृतिक दृश्य प्रकृति प्रेमियों के लिए स्वर्ग के समान है। यहाँ कुछ शुल्क का भुगतान करके नौका विहार का आनंद भी लिया जा सकता है। नौका से झील में घूमना अपने आप में एक अनोखे सुख का अनुभव देता है। झील की खूबसूरती और प्राकृतिक परिवेश की कल्पना इसी बात से की जा सकती है कि अनेक फिल्मकारों ने यहाँ के दृश्यों को फिल्मों में कैद किया है। यहाँ झील पर बांध के सबसे ऊंचे वाले स्थान पर महाराणा जय सिंह द्वारा भगवान शिव को समर्पित नर्मदेश्वर महादेव कलात्मक मंदिर भी बनाया गया है। यह विस्तृत फैला जल का भंडार, यहाँ के दृश्य, पक्षियों का कलरव, शुद्ध हवाएं सहज ही मन प्रसन्न करने वाली है। अगर आप भी जयसमंद झील की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो बता दें, यात्रा करने का सबसे अच्छा समय मानसून का मौसम रहेगा। इस मौसम में यहाँ झील के कई आकर्षक नज़ारों को देखा जा सकता है। गर्मियों के समय यहाँ तापमान की अधिकता होने के कारण यात्रा करना कठिनाईपूर्ण हो सकता है। यहाँ तक पहुँचने के सभी सुगम मार्ग हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। तो दोस्तों, आज की यात्रा के संबंधित आपके अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही अन्य स्थानों की यात्राओं का आनंद लेने के लिए भारत की यात्रा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी अगले स्थान पर अगली यात्रा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।